आदमी। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप किस तरह से फ्री RSCIT वाला फॉर्म अपने मोबाइल से फिल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं मोबाइल से आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है MyRKCIL की ऑफिशियली वेबसाइट पर। यहाँ ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई एयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे जाके इंटर द जन आधार नंबर पे क्लिक कर देना है, जहाँ आपको अपना जन आधार नंबर प्रिंट कर देना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। साथियों, जन आधार नंबर फिल करने के बाद में आपको ये नीचे जो कैप्चर कोड दिया गया है, ये इंटर द कैप्चर कोड में फिल करना होगा। डिटेल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपके सामने ये होम पेज होगा, जिसमें जो एलिजिबल होगा इस फॉर्म के लिए, उनके नाम के आगे ग्रीन आ जाएगा, बाकी का रेड आएगा। दोस्तों, तो इस तरह से आप जो भी एलिजिबल है, जिसका भी फॉर्म फिल करना चाहते हो, जिन भी महिला है वाले का होगा, तो उनके जो प्रोफाइल है उसमें रेड कलर का शो होगा, इसको आप नीचे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे OTP पूछा जाएगा। OTP फिल करने के बाद में आपके सामने ये तीन ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें RSCIT के ये तीनों कोर्स हैं जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। यदि आप RSCIT का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो जो फर्स्ट है अप्लाई नाउ, उस पर क्लिक कर देना है। यदि आप RSCFA के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो तो सेकंड नंबर का ऑप्शन, और यदि आप स्पोकन इंग्लिश के कोर्स के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो तो थर्ड नंबर का ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि आप किस तरह से फॉर्म आसानी से अपने मोबाइल से घर बैठे फिल कर सकते हो। साथियों, मैंने ये जो फॉर्म है ये RSCIT के लिए अप्लाई किया है। यहाँ सबसे पहले आपसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में तहसील सेलेक्ट कर लेनी होगी आपको। तहसील के बाद में आपका जो भी नियरेस्ट सेंटर है RSCIT, उनकी लिस्ट आपके सामने होगी, जो लिस्ट से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो जिस भी आप IT ज्ञान केंद्र में एडमिशन लेना चाहते हो, और वो IT ज्ञान केंद्र आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आप नीचे जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यदि ये वैसे नहीं दिख रहा हो तो आप इसको साइड में जाके डेस्कटॉप वर्जन करके इसमें आसानी से आप सारी डिटेल देख सकते हो। डेस्कटॉप साइट पे डेस्कटॉप साइज करके मैं इसको आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से सब कुछ देखते हुए फॉर्म अच्छी तरह से फिल कर सकते हो। इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें आपने जिस भी कैंडिडेट महिला या बालिका का फॉर्म फिल किया है, उसकी प्रोफाइल आपके सामने होगी। प्रोफाइल में आपको आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है, वो फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे ईमेल ID पूछा जाएगा, जो आपको ईमेल ID ऑफिशियली जो आप यूज करते हैं वो ईमेल ID डाल देनी है। बाकी का ये जो कुछ थोड़ा बहुत है दोस्तों, ये ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ऐसी डिफिकल्ट सी बात तो कुछ है नहीं इसमें। इसमें आपको उसके बाद में आपका ये जो लोकलिटी असेंबली एरिया है वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको दोस्तों ये लाइव प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। मैं ये फॉर्म आपको लास्ट तक फिल करके दिखाऊंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और उसके बाद आपको जो नीचे ग्रीन कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस कर देना है दोस्तों। इस तरह से बेहद ही आसान प्रोसेस के साथ आप फ्री RSCIT वाला फॉर्म फिल कर सकते हो। क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में पूछा जाएगा, आपने किस बोर्ड से 10th किया है, यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी बोर्ड से आपने 10th किया है। ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा दोस्तों, आप ऑटो वेरीफाइड कर सकते हो। जैसे ही आप रोल नंबर डालोगे, मैंने यहाँ रोल नंबर थोड़ा मिस्टेक डाला है, गलत डाला है, तो ये ऑटो वेरीफाई नहीं हुआ। यहाँ से आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको रोल नंबर डाल देना है। यदि आपका रोल नंबर फिर भी ऑटो वेरीफाई नहीं होता है, तो नीचे आप परसेंटेज में परसेंटेज डाल के यस डाल के भी
वेरीफाई कर सकते हो। इसके साथ आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी साथियों। यदि वेरीफाइड हो जाता है तो आपसे 10th की मार्कशीट अपलोड के लिए नहीं पूछी जाएगी। है तो ग्रेजुएशन का डाटा यहाँ से दोस्तों मैं तरह से दोस्तों मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद ये जो आपने फॉर्म फिल किया है इसका प्रूफ आपके सामने होगा। ये नीचे जो रेड कलर का सिंबल दिया हुआ है इसको प्रेस करके आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकल के सामने आएगी जिसको आपको अपने पास रख ले।